पिक्चर चालू करो बे। दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, आ चंदा के पैसा से जलपान करिए। ये बात तो सही है, आज के डेट पे जनता के इमोशन को ही तो इस्तेमाल करके पैसे कमाए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, इसका मतलब जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा रहा है। नहीं रुको जरा, सबर करो। वैसे तो आप लोग द कश्मीर फाइल देखे ही होंगे, जिसमें कश्मीरी पंडितों का दर्द को दिखाने का कोशिश किया गया है, भले ही आज भी उनका हालत वैसा ही खास्ता है। साला पापी, दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। और फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री अच्छे खासे पैसे कमा के निकल गए। अपने पर्सनल होठों से सही बोल रही है तू। लेकिन गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इजरायली फिल्म मेकर नद्दाव लपेट इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बता दिया। गजब बेइज्जती है। We were all of us disturbed and shocked by the 15th film, by the movie Kashmir Files, that felt to us like a propaganda. अरे ये लोग बोलेंगे क्या, इस देश में तो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना मतलब निकालने का ट्रेंड जो बना हुआ है। मालिक वो देखो। तो ये हाँ बीजेपी के धुरंधर नेता, जो गोबर के उपलो से भरे एक जर्जर ऑटो का फोटो हुआ को साझा करते हुए लिखते हैं, कांग्रेस और आप ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसमें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उसी पार्टी से आते हैं जहाँ ऐसे नमूने पाए जाते हैं। ये कौन है? ये हमारे गुरु हैं। बात तो खर सही है, कहा है कि इस अद्भुत प्राणी ने गोबर को कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा बताया था। कैसे लोग रहते हैं यार।